बहुत गर्म हो रहा है। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं अपने चैनल पे पहली बार करने वाली हूँ न्यू मी का एक अनबायस्ड वीडियो, क्योंकि आज से पहले मैंने जितने भी न्यू मी के वीडियोज़ किए वो मेरे सारे स्पॉन्सर्ड पेड वीडियोज़ थे, तो आप उतना बोल नहीं सकते हो। बट आज की वीडियो में मैंने जितना भी सामान मंगवाया है वो मैंने अपने खुद के पैसे से मंगवाया है, सो मेरे रिव्यूज़ बिल्कुल जेन्युइन होने वाले हैं। मुझे न्यू मी के एड्स बहुत आते रहते हैं लाइक इंस्टाग्राम पे, और वैसे भी होता है ना, आप कोई वेबसाइट जाके सर्च करो तो उसके एड्स आपको वैसे ही बहुत दिखाता रहता है वो कहीं ना कहीं। तो तब से ही न्यू मी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और मुझे ना इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स दिखते हैं लाइक स्पेशली सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट्स उनके। तो उस चक्कर में मैं दोबारा न्यू मी पे गई थी, और मुझे अपने रील्स के लिए भी कुछ कपड़े चाहिए थे, कुछ अलग से, कुछ सेक्सी से आउटफिट। तो अभी बहुत सारे कपड़े तो मैंने नहीं मंगवाए, वैसे मेरे और भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं बट वो आए ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, जैसे अर्बैनिक से आप ऑर्डर करो, फॉर इंस्टेंस आपने एक ही बार ऑर्डर लगाया 15 कपड़ों का, तो पूरा 15 कपड़े का कार्टन एक साथ आ जाता है। बट न्यू मी के केस में ऐसा नहीं है, न्यू मी पे एक आर्टिकल आ जाएगा, एक चार दिन बाद आएगा, और मैं अभी भी लगाऊंगी। मेरे 3 कपड़े तो ऑर्डर में लगे हुए हैं, महीना होने वाला है वो अभी तक नहीं आए, और मेरे पुराने ऑर्डर्स में आज चेक कर रही थी कितने, तो ये लोग खुद डिक्लाइन कर देते और आपका पैसा वापस कर देते हैं, सो वो सीन है। सो ये कुछ दिक्कतें हैं जो भी न्यू मी के साथ फेस करनी पड़ रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा बोले बिना पहले फटाफट शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है फ्रॉम न्यू मी। न्यू मी पे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप आज कोई आर्टिकल मंगवाओ और कोई गारंटी नहीं कि आपको एक हफ्ते बाद वो मिले या ना मिले, बिकॉज चीज़ें यू आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, और वो बैक इन स्टॉक आती भी है या नहीं आती मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लाइक ये ऑर्डर मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है, मेरे अभी कपड़े आए हैं और मैं चेक कर रही थी, इसमें ज़्यादा चीज़ें तो आउट ऑफ स्टॉक हो भी चुकी। तो मैं अगर कभी भी न्यू मी को हॉल बनाऊंगी, जब तक मेरे पास सारे आर्टिकल्स आएंगे, जब तक मैं हॉल बना के उसको लाइव करूँगी, आधा सामान आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होगा। सो यही दिक्कत है। वैसे ये वाले कपड़े मैंने इस वीडियो के लिए नहीं मंगवाए थे, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाए थे, क्योंकि मुझे चाहिए थे कपड़े अपने वीडियोस वगैरह के लिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस ड्रेस, जिसे मैं ऑलरेडी एक बार पहन चुकी हूँ, और इसका तो मैं वो भी बना चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो, और आप लोग वो देख चुके हो। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, जो कि है लॉन्ग स्लीव कटआउट ए लाइन ड्रेस, और ये मुझे 1300 की पड़ी। अभी भी यहाँ पे 11% ऑफ दिखा रहा है। इसको मंगवाने का रीज़न मैं फ़ोटोज़ लगाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि देखते ही कितने स्मार्ट, कितनी सेक्सी, कितनी सुंदर लग रही है। तो मुझे, मैं देखते ही इससे बहुत इंप्रेस हो गई थी, मुझे हो गया था कि आई जस्ट नीड दिस ड्रेस, मुझे ये चाहिए, और मुझे पहन के देखना है कि मैं कैसी लगूंगी, इसलिए मैंने ये मंगवाई। और फिर ये ड्रेस आई ऐसी, लाइक आई तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसी है फ़ोटोज़ में वैसी ही ये है। और इस ड्रेस का एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि इसका फैब्रिक, इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा मटेरियल है, बहुत ही अच्छा है। लाइक पहनने के बाद आपको स्किन पे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, तो इसके फैब्रिक से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। बट एक चीज़ मुझे लग रही है कि मुझे 1300 के हिसाब से थोड़ी सी कॉस्टली लगी, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक सी ड्रेस है, बस इसके ये कटआउट डिटेल्स और इसमें जो डोरी वगैरह लगी हुई है वो इसको थोड़ा सा अलग सा बनाते हैं। बट मे बी हो सकता है फिर उसी चीज़ ये लोग चार्ज कर रहे हो कि हम आपको बेसिक से कपड़े को कुछ काट पीट के दे रहे हैं, कुछ डिज़ाइनर सा बना के दे रहे हैं, सो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। इसके स्लीव्स ही बहुत सुंदर है, ऐसे आके हल्का सा वो बेल स्लीव्स वाला फील है, बहुत थोड़ा सा, और यहाँ पे खुद आप टाई कर सकते हो, ऐसी वाली डोरियाँ लगी है। एंड देन यहाँ पे भी इसके गले में भी एक कटआउट डिटेल है, ये ऐसे है, और फिर इसको आपको अपने बैग पे पीछे डालना होता है। जब मैं पहनूंगी तब बता दूंगी, अभी मैं इतना बता नहीं सकती इसके बारे में। एंड देन यहाँ पे है ये कटआउट डिटेल जो बहुत सुंदर लगती है। तो चलो मैं ये आपको पहन के दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। वैसे आप मुझे ऑलरेडी इसको पहने हुए देख चुके हो, बट मैं इसको दोबारा पहन के दिखाती हूँ। सो इस ड्रेस में ये जो डोरी है, जब मैंने इसको लास्ट टाइम पहना था तो मैंने इसको पीछे बांधा था, बट मैं इसको आज आगे बांध के देखना चाहती हूँ, बिकॉज फ़ोटोज़ में इसको आगे ही बांधा गया है, तो वो बिल्कुल सिमिलर लुक आए ताकि जैसा पिक्चर्स में है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बांध के ज़्यादा बेटर लग रही है। मैं यहाँ पे फोटो लगाऊंगी, उसमें देखना मैंने इसको पीछे टाई किया, तो आप लोग मुझे बताना कि आगे बांधी हुई अच्छी लग रही है या पीछे। इसके नीचे मैंने ब्लू कलर के बूट्स पहने थे, ब्लू बैग कैरी किया था, लाइक ड्रेस बिल्कुल प्लेन है, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, वाइट बूट्स पहनो, वाइट बैग कैरी कर लो, या पिंक बूट्स। ड्रेस बिल्कुल प्लेन है तो किसी भी कलर के बूट्स, शूज़, स्नीकर्स सब कुछ जाएगा। और ये तो इतनी प्यारी ड्रेस है ना कि आप इसको कैजुअली आउटिंग के लिए यूज़ कर लो, पार्टीज़ में पहन के चले जाओ, और विंटर्स में यूज़ कर लो ऊपर ओवरकोट वगैरह डाल के। तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा आर्टिकल लगा। मैं बताती हूँ, मैंने मंगवाई थी न्यू मी से एक ड्रेस, और इसका नाम है सॉलिड वी नेक राइनस्टोन स्ट्रैप मिनी ड्रेस, और ये इस वक्त मुझे डिलीवर दिखा रहा है, और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। आप फोटोज़ देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये बहुत प्रिटी लगती अगर ये ऐसी आती। यहाँ पे इसका प्राइस इज 1199, अभी 5% ऑफ दिखा रहा है, और मैंने लिटरली इसके लिए इतना पे किया है, और मुझे आता है ये
मुझे लगा आ गई मेरी वो ड्रेस, बिकॉज मैं चेक करती हूँ क्या डिलीवर्ड दिखा रहा था, लाइक उस दिन यही डिलीवर्ड दिखा रहा था, तो उसकी जगह इन लोगों ने मुझे भेजा ये। पहले तो मैं समझी नहीं, मुझे लगा कि शायद मैंने ये मंगवाया होगा ऐसा कुछ, मैं भूल जाती हूँ कई बार ऑर्डर लगा के, बट जब मैंने चेक किया तो मैंने कहीं दूर दूर तक ये नहीं मंगवाया। और इस पे इसके साथ जो बिल आया है ना, लाइक लिटरली उस पे भी यही लिखा है, सॉलिड वी नेक राइनस्टोन स्ट्रैप मिनी ड्रेस, इसके अंदर से निकला है ये। और मैं ये आपको दिखाऊंगी, तो ये है एक पैंट्स जो मैंने कभी नहीं मंगवाई और ना ही मैंने ये कभी न्यूमी पे देखी। सो ये चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी, लाइक ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब तो न्यूमी काफ़ी नोन सा ब्रांड हो गया है, सब लोग जानते हैं, इस लेवल पे आके ये चीज़ नाम ही ख़राब करती है। अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी मंगवाने से पहले सोचूंगी कि ये ऐसा ना करते फिर से मेरे साथ। अब मुझे इसको रिटर्न लगाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। सो मेक श्योर ये चीज़ आपके साथ ना हो। आई डोंट नो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कि मुझे अभी खुद नहीं पता। ठीक है, देखती हूँ उसको पहन के, देखती हूँ अगर इसका फिट वगैरह बहुत अच्छा लगा तो रख लूँगी, बट अभी तो आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस। ये है कॉर्डरॉय पैंट्स और जो कि है गिफ्ट फ्रॉम न्यूमी, और आउट ऑफ नो वेयर न्यूमी मुझे ये जीन्स भेज रहा है, ये पैंट्स भेज रहा है, वो भी कॉर्डरॉय ग्रीन कलर में। एंड मैं वैसे पहनी हुई, मुझे बुरी नहीं लग रही है, ठीक लग रही है, कुछ डिफरेंट सा आर्टिकल है। मेरे पास ऐसे ही कॉर्डरॉय पैंट्स इन ग्रीन तो दूर दूर तक ना मैंने सोचा कहीं मंगवाने का ना मेरे पास होती, तो इन लोगों ने भेज दिया तो मुझे रखनी पड़ेगी। बट इंडिविजुअली अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका फैब्रिक इज़ गुड, और विंटर्स के हिसाब से तो, और विंटर्स में तो ये कपड़ा स्पेशली काफ़ी वार्म रखता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है, मैं इसको इस ठंड में यूज़ कर लूँगी। और ऐसे पहना हुआ ये मुझे सही लग रही है, ये बुरी तो नहीं लग रही है कहीं से कहीं तक भी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आपको कैसी लगी। सही है, ग्रीन पैंट्स हो गई मेरे पास। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाई है वो है ब्लैक पीयू ड्रेस, एंड ये है काइली जेनर से इंस्पायर्ड। सो ये मैंने बहुत पहले मंगवाई थी और ये अभी करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है। मुझे लगा था ये 1719 की है तो इसका फैब्रिक क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा आएगा। सो वो आया पहले मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। सो वो है ये ड्रेस, ये पहनने के बाद नो डाउट बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्मार्ट इसका लुक आता है, बट इन पर्सन जब आप इसको पहनोगे, इन पर्सन आप किसी को ये पहने हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत चीप सी किसी ने ड्रेस पहनी हुई है। लेकिन अगर आप इतना पे कर रहे हो तो फिर मुझे था, एक्सपेक्टेड था कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी। चलो मैं ये आपको पहन के दिखाती हूँ। बेसिक सी ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस है, यहाँ पर आगे जिप लगी हुई है इसमें। सो ये है काइली जेनर से इंस्पायर्ड ड्रेस, लाइक कुछ सिमिलर से ऐसी ड्रेस काइली जेनर ने पहनी थी। अगर आप न्यूमी पे जाओगे तो उसमें एक अलग सेक्शन है सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड आउटफिट्स, उसमें आपको सारे वही कपड़े मिलेंगे जो इन लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को देख के कॉपी करके बनाए हैं, तो उसमें ये मुझे मिला था। इट्स अ बॉडीकॉन ड्रेस, इसका फिट वगैरह नो डाउट सही लग रहा है, कैमरा पे देखने में पता नहीं चल रहा है, कैमरा पे ये ऐसे बहुत स्मार्ट लग रही है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा आ रहा है, बट अगर आप इन रियल देखोगे तो ये बहुत ही चीप सा कपड़ा लग रहा है। लाइक कहीं आप इसको पहन के जाओगे तो वो बात मुझे इसमें नहीं लग रही है, बिकॉज ये थोड़ी सी कॉस्टली है, तो इसके प्राइस के हिसाब से इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था। नेक्स्ट है मेरे पास ये एक टॉप, और मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैंने ना कुछ आर्टिकल्स देखे जो अर्बेनिक पे भी हैं, वो न्यूमी पे भी है, बट देखने में बिल्कुल सिमिलर है, फोटोज़ वगैरह देख के मुझे बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बट उनके प्राइस में डिफरेंस है। अर्बेनिक पे वो चीज़ महंगी है, न्यूमी पे वो चीज़ सस्ती है, या तो फिर हो सकता है जिस तरीके से प्राइस में डिफरेंस है उस तरीके से क्वालिटी में भी डिफरेंस हो सकता है, कि जो अर्बेनिक पे मिल रहा है महंगा वो अच्छा क्वालिटी का होगा, न्यूमी पे गंदा क्वालिटी, आई डोंट नो, बट ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं, और देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो मेरा मन है कि मैं ऐसे वाले आर्टिकल्स मंगवा के कंपेयर करूँ कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये टॉप मैंने अर्बेनिक पे भी देखा था थोड़ा सा कॉस्टली, और ये मैंने न्यूमी पे भी देखा, तो फिर मैंने इसको न्यूमी से मंगवाया। तो ये है हॉल्टर नेकलाइन सिक्विन क्रॉप टॉप, ये 859 रुपीज़ का है, इसको मैंने मंगवाया आई गेस साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल में, यस अच्छा मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया, फिर बड़ा हो जाता। सो ये मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था इसलिए मैंने इसको मंगवाया, और छू के भी मुझे इसका अच्छा लग रहा है कि ये चुभेगा नहीं, बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही लाइट वेट अभी तक तो ये मुझे लग रहा है। एंड ऐसे वाले ना क्रॉप टॉप्स बहुत यूज़ होते हैं जीन्स के साथ, साड़ीज़ के साथ, एज अ ब्लाउज़ यूज़ करो, लहंगा, बहुत ही काम आते हैं ये। तो मेरे पास पहले भी एक था, बहुत पहले मैंने शीन से मंगवाया, मेरा वो बहुत यूज़ हुआ, तो जब मुझे उसके जैसा कुछ ये दिखा तो मैंने सोचा उसको मंगवाया जाए। मिनी स्कर्ट्स के साथ पहन के आप पार्टीज़ वगैरह करने चले जाओ, बहुत यूज़ होते हैं यार के, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। गाइज दिस इज़ सो क्यूट, आई लव दिस टॉप, इसका
फैब्रिक, इसका पहना हुआ लुक, इसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ मुझे इसके प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वर्थ ही लग रहा है। आप खुद देखो ये कितना वाव लग रहा है पहना हुआ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मुझे तो अपने इस जीन्स के साथ भी ये इतना स्मार्ट लग रहा है, और तुम्हें क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा बीच बीच में अनकम्फर्टेबल है बिकॉज ये काफ़ी रिवीलिंग सा टॉप है, तो आपको किस टाइप की ब्रा पहननी है, कैसे कैरी करना, आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आप इसको कैरी कर सकते हो तो ये बहुत प्यारा आर्टिकल है। एंड आई नो मेरा तो ये बहुत यूज़ होने वाला है, मैं अभी चेक करूँगी। अगर मुझे इसके और इसी टाइप के और स्टाइल के या कलर के आर्टिकल्स मिले तो मैं उनको आज ही मंगवाऊंगी। सो अगर आपको ये मंगवाना तो आप इसको आग बंद करके मंगवाओ, आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसके नीचे लहंगा पहनो आप, जीन्स, स्कर्ट, मतलब बहुत ही यूज़ होने वाला आर्टिकल है यार ये तो, नाइस। नेक्स्ट है हमारे पास हाई नेकलाइन क्रॉप टॉप एंड स्लिट स्कर्ट सेट। इसका ये कलर मंगवाया, ये 1329 रुपीज़ का है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अभी तक मैंने वैसे खोल के नहीं देखा, मैं फ़ोटोज़ देख के ये बात कर रही हूँ, अब मैं खुद आपके सामने इसको खोल के देखने वाली हूँ। तो वो है ये सेट। ये है कि न्यू मी पे बहुत अतरंगी से अलग से स्टाइल के कपड़े मिल जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलते, सस्ते मिलते हैं, तो बस एक रीज़न है कि मैं न्यू मी पे जाती हूँ देखने, चेक करने कि क्या क्या और नया है। ये ख़राब हो रखा है या क्या दिक्कत है इसकी। ये इसके क्रॉप टॉप का जो लुक आ रहा है फ़ोटोज़ में, उसके लिए इन्होंने ये लगाया हुआ है और ये ऐसे साइड से निकल रहा है। बड़ा ही फर्जी सा सेटअप है, आई डोंट नो, पहन के पता चलेगा। और ये चुभे ना ऐसे साइड से निकला हुआ, ठीक है। और ये है इसके नीचे का स्कर्ट, ओके। सो अभी तक तो मुझे ये ठीक लग रहा है, कलर वगैरह भी काफ़ी सिमिलर सा है। बट एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये कि ये डेफिनेटली अलग आर्टिकल है, बिकॉज इसमें ना एक बहुत ही प्यारी सी शाइन है इस कपड़े में, वो शाइन इसमें मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही है। और पता नहीं ये सेम बनाया गया है बट पहनने के बाद ये सेम लगे या नया लगे, आई डोंट नो। तो चलो पहले इसको ट्राई करके देखते हैं, फिर पता चलेगा मुझे भी। आई जस्ट विश कि इसका फैब्रिक बिल्कुल सेम आया होता जो यहाँ पे फैब्रिक है, बिकॉज इस फैब्रिक में एक प्यारी सी शाइन है जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी, और वो शाइन इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे इसका लुक बहुत स्मार्ट सा लग रहा है। वो रेड कारपेट वाली ड्रेसेस नहीं होती, जैसे अभी मैं कोई रेड कारपेट अटेंड करने जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें वो वी शेप वाला फील आ रहा है जो मुझे चाहिए था। इसका स्लिट है, इधर आप इसको साइड पर रख लो या सेंटर में, वो आपकी चॉइस है। सी आप देखो ऐसे वी शेप होने की वजह से अगर आपके फैट्स वगैरह भी है तो भी आपकी फिजिक बहुत अच्छी आती है। इसका कलर बहुत प्रिटी है तो ये मेरे तो बहुत काम आएगा, मेरा तो बहुत ही अच्छा सा फोटोशूट हो जाएगा इसमें। इसका स्कर्ट मुझे बहुत पसंद आया, इसका आप ये वाला स्टाइल देखो, ये जो शेप ऐसे बन रही है ये बहुत प्यारी लग रही है। ऑल्सो इसका टॉप, सो इसके प्राइस के हिसाब से ये कोट सेट मुझे बिल्कुल वर्थ इट लगा। इसका टॉप मेरा अलग से बहुत यूज़ होगा, इसका स्कर्ट अलग से बहुत यूज़ होगा, साथ में भी ये मेरा यूज़ होगा। क्वालिटी इज़ गुड, सो दिस इज़ लाइक गुड डील, ये मेरे को सही लग रहा है। मुझे अगर ऐसे से और मिले तो मैं देखूँगी न्यू मी पे, नाइस। सो मैंने ये एक ड्रेस मंगवाई है, मैं फ़ोटो लगाती हूँ, ये ऑर्डर डिलेड बहुत दिन से लिखा हुआ आ रहा है, और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी और इसके बहुत प्रिटी प्रिटी कलर्स थे, न्यू मी पे हैं शायद अभी भी, बट पता नहीं क्यों ये इसको दे ही नहीं रहे हैं मुझे, आई डोंट नो क्या चाहते हैं मुझसे। छोड़ो आगे बढ़ते हम लोग, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास ये ड्रेस, एंड ये ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद आई, इसको मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, रील्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह क्लिक में इसमें करवा चुकी हूँ। एंड ये है 1199 की, और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगवाई। सो इसका नाम यहाँ पे लिखा है, मुझे जब मैंने ये ड्रेस पहनी, मैंने अभी तक इसके फोटोज़ वगैरह कहीं अपलोड नहीं किए, बट मुझे काफ़ी लोगों ने इसका लिंक मांगा, उन लोगों को इतनी अच्छी लगी। ईदर बी इट ऑन स्नैप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर तो मैंने शायद अभी तक कुछ डाला ही नहीं, हाँ इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप पे भी मुझे सब ने इसके लिंक के लिए पूछा। इसका नाम है लो बैक ग्लिटर होलो लॉन्ग ड्रेस। फोटोज़ लगाऊंगी तो आप लोग भी देख के कह सकते हो कि ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। इसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहनने के बाद ये बहुत स्मार्ट लग रही थी, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। सो गाइज दिस ड्रेस इज़ बैकलेस फर्स्ट थिंग, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा शीयर फैब्रिक, वैसे दिखता नहीं है इतना अंदर आपने क्या पहना है वो पता नहीं चलेगा, बट आपको इसके अंदर ब्रा क्या कैरी करनी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ सो दैट यू गाइज विल नो कि ये पहन के लगती कैसी है। सो दिस इज़ अ रियली सेक्सी ड्रेस, ये प्रॉपर बैकलेस है फर्स्ट, और जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी लाइक मैंने जो भी ब्रा पहनी उसमें ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स है बट स्टिल वो साइड से दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल केस हो जाता है। इस केस में यू कैन यूज टेप्स, वो एक ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है को पहनने का, बिकॉज ये यहाँ से भी पूरा दिख रहेगा, फिर पूरा बैकलेस है
तो आई थिंक टेप्स ही बेस्ट ऑप्शन है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारी सी शाइन है, प्रॉपर पार्टी वेयर ड्रेस है, बर्थडे पार्टीज, क्लब पार्टीज, कहीं भी आप इसको पहन के जाओ बहुत स्मार्ट लगोगे। कोई भी हील्स कैरी करो, बैग कैरी करो, स्मार्ट सा स्टाइल बनाओ वरना आपका बहुत ही प्यार सा लुक तैयार। सो इसके प्राइस के हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सो जो लोग मुझे पूछ रहे थे ये मैंने न्यूमी से मंगवाई। नेक्स्ट हमारे पास दो कोट सेट्स हैं एंड ये थोड़े से पुराने हैं, मैंने अभी तक इनको एक बार ही पहना नहीं है, बट इसमें से मुझे एक तो अभी भी दिख रहा था लाइक इन स्टॉक है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको मंगवा सकते हो। फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्लैक वाला, इसका नाम ये 1299 का, ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मंगवाया। इसका नाम यहाँ पर लिखा है रुश्ड लॉन्ग स्कर्ट सेट, तो मुझे लगा था जैसा यहाँ पिक्चर्स में दिखा रहा है ये सेम वैसा ही आएगा, तो और वैसा अगर आ गया तो मज़ा आ जाएगा, बट गाइज ये कुछ कुछ वैसा आया, बिल्कुल सेम नहीं आया, मैं थोड़ी सी खुश कम हूँ इससे। सो ये है इसके नीचे का स्कर्ट, यहाँ से ये रुश डिटेल है जिसकी वजह से इसका नाम वैसा लिखा हुआ है, एंड ये आपके बिल्कुल फ्रंट में आएगी सामने। इसमें अगर आप देखोगे फोटोज़ में तो जो फ्रंट पे शेप आ रही है ना वो ऐसे वी शेप बन रही है, उससे क्या होता है अगर आप थोड़े बहुत मोटे भी है, पेट पे फैट्स वगैरह भी है तो वो कवर हो जाता है और आप पतले और बहुत सुंदर फिजिक आती है, बट इस केस में ये बिल्कुल स्ट्रेट है, आई डोंट नो वो वी शेप कैसे आएगी, तो वो चीज़ मुझे इसकी लग रही है कि ये सेम आर्टिकल नहीं है। एंड क्रॉप टॉप तो बिल्कुल बेसिक क्रॉप टॉप है, एंड ये क्रॉप टॉप भी मुझे इससे अलग लग रहा है, ये वाला क्रॉप टॉप मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। यस, इसका क्रॉप टॉप मुझे समझ रहा है स्लीव्स भी थोड़ी सी पफ स्लीव्स हैं और यहाँ पे वो ऐसे वाली शेप आ रही है, बट इसमें वो शेप नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक सा क्रॉप टॉप है। यस, सो ये आर्टिकल आई गेस किसी और ब्रांड का है, किसी और जगह का है, एंड देन इसको इन लोगों ने कॉपी करके कुछ ऐसा सा बनाया है। लेट्स ट्राई दिस। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें आप वॉक नहीं कर सकते हो, ये स्कर्ट मैं पैर ही नहीं रख पा रही हूँ, आप देखो आप कैसे बस इससे ज़्यादा मैं नहीं चल सकती हूँ, तो आपको इसमें ऐसे छोटे छोटे फुट स्टेप्स रख के प्रॉपर ऐसे वाली पेंगुइन वॉक करनी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग, लाइक जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी कि टॉप बिल्कुल बेसिक है, तो आप देख ही सकते हो बिल्कुल बेसिक सा क्रॉप टॉप है ये। एंड स्कर्ट की अगर बात करूँ तो स्कर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई डोंट नो पता नहीं क्यों, एक तो उसकी लेंथ बहुत लंबी है, प्लस जिस शेप के लिए मैंने इसको मंगवाया था वो वी शेप वो किसी भी तरीके से नहीं बन पा रही है, कुछ अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूँ रुक ही नहीं रहा है ये, वैसे कुछ ऐसी सी इसकी शेप आनी चाहिए थी बट वो वैसे रुकेगा ही नहीं, मैं बहुत खींच रही हूँ तो ही मैं थोड़ा भी चलूँगी वलूँगी वो अपने स्टाइल में आ जाएगा। बट अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक क्वालिटी इज़ गुड, फैब्रिक इसका अच्छा है, टॉप का फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्कर्ट का फैब्रिक भी सेम ही है। सो इसका ये स्टाइल, अगर आपको ये ऐसे अच्छा लग रहा है तो ही इसको मंगवाना, अगर आप फोटो देख के उस माइंडसेट से मंगवा रहे हो तो ये वैसा नहीं आएगा, ये ऐसा सा आएगा बहुत डिफरेंट सा। सो ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक जैकेट। यस, ये सिर्फ 619 रुपीज़ की है, ये है डबल पॉकेट डेनिम क्रॉप टॉप। ओके, सो इट्स अ क्रॉप जैकेट एंड टॉप, ये बहुत ही अलग सा मुझे कुछ लगा तो मैंने सोचा इसको मंगवा के देखा जाए। एंड सैड पार्ट इज सैड कि ये मुझे छोटा आया है, मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया, एक तो मुझे साइज़ का सच में अभी तक समझ नहीं आता, ब्रांड पे भी लाइक न्यूमी पे कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाती हूँ तो वो बहुत बड़ी आती हैं, कुछ स्मॉल मंगवाती हूँ तो वो छोटी आ जाती है, अब मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया तो ये बहुत छोटा आया, या तो एक स्टैंडर्ड साइज़ हो कि अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाओगे तो वो इतना ही आएगा, कभी तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल इतना बड़ा दे रहे हो, कभी आप एक्स्ट्रा स्मॉल इतना छोटा दे रहे हो, तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस साइज़ में मंगवाऊँ, पर अभी रिटर्न भी नहीं होगी, इनका सिर्फ 7 डेज़ का पॉलिसी है, अगर आप विदिन 7 डेज़ रिटर्न करते हो तो रिटर्न होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, तो ये बहुत ही छोटी है, मैं आपको पहन के दिखाऊँगी तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे छोटी है मेरे ऊपर। सैड, मतलब ये क्रॉप टॉप है तो आप बस ये पहनो, इसको बंद करो या नीचे कुछ जीन्स वगैरह पहनो एंड यू आर गुड टू गो, वैसा वाला इसका लुक है, बट आप देखो ये यहीं पे फंस जा रही है, ये इसके आगे जा ही नहीं रही, बंद करना तो बहुत दूर की चीज़ है, अब मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे कभी पहनना पड़ा तो मुझे इसे ऐसे ही पहनना पड़ेगा, लाइक अंदर कोई टॉप पहन के अंदर ऊपर इसको ऐसे। फैब्रिक वगैरह की बात करूँ तो फैब्रिक वगैरह इसका अच्छा है, बट मुझे वही लुक चाहिए था, वो टॉप वाला, कि इसको मैं बंद करके पहनूँ। नेक्स्ट वी हैव कैजुअल हुडेड क्रॉप टॉप एंड ये 809 रुपीज़ का है, ये मुझे अच्छा लगा, एग्जैक्टली सेम जैसा फोटो में ये वैसा ही आया है, इसका फैब्रिक मुझे अच्छा लगा, इसको वैसे मैंने अपने डांस वीडियोज़ के लिए मंगवाया था कि आप अंदर कुछ भी स्मार्ट सी
विक्टोरिया सीक्रेट के मेरे पास एक ब्रा है, यहाँ पे से विक्टोरिया सीक्रेट लिखा हुआ दिखता है, ऊपर से ये डालो तो बहुत स्मार्ट से लुक बन जाते हैं, नीचे लोअर पहनो, कोई भी डांस वीडियोस बनाओ। तो उस माइंडसेट से मैंने इसको मंगवाया था, बट अभी मेरा पेट बहुत मोटा हो रखा, जब मेरे थोड़े से एब्स बन जाएंगे ना तब पहनूंगी, तब ये बहुत स्मार्ट लगेगा। तो चलो मैं आपको अभी वैसे पहन के दिखाती हूँ। आप इसको वैसे भी कैरी कर सकते हो, नीचे प्लेन टॉप पहन के ऊपर ये पहन लो, नीचे जीन्स पहन लो, इसको बस स्टाइल करना आना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरा जिम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। नीचे कुछ स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह पहनो एंड ऊपर ये, एंड आपका कितना प्रिटी सा सेक्सी सा जिम लुक तैयार। और इसका फैब्रिक भी वही वाला जो जिम के कपड़ों का नहीं होता, सेम वही फैब्रिक है। तो मुझे ये बहुत डिफरेंट सा आर्टिकल लगा था, इसमें हुडी है एंड ये वाला लुक इसका, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। इतना महंगा भी नहीं है तो मुझे लगा मंगवा के देखते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग अच्छा। लास्ट हमारे पास असिमेट्रिक स्कर्ट सेट, एंड ये अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, बट कभी भी अगर स्टॉक में आता मैं स्टिल इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इन केस कभी ये स्टॉक में आया तो आप लोग ख़रीद सकते हो। तो इसमें ये है इसका टॉप, इसमें यहाँ पे फ्रंट पे जिप है, इसको आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के लेंथ के हिसाब से खुला या बंद रख लो। ओके, अभी तक तो ये मुझे टॉप तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा ही लग रहा है जैसा ये है, और इसके नीचे है ये स्कर्ट एंड इसमें यहाँ पर फ्रंट स्लिट है। यस, ये तो मुझे फिर भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है, आई थिंक पहनने के बाद इसका लुक थोड़ा सा सेम सा आ जाएगा, बाकी तो उसको पहन के पता चलेगा। ये भी मैंने अभी तक एक बार ही पहन के नहीं देखा है, तो चलो इसको भी ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा लग रहा है। सो आई लाइक दिस स्कर्ट सेट, इसका टॉप मुझे अच्छा लग रहा है, इसका टॉप का ये जिप वाला स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, स्कर्ट भी सिमिलर लग रहा है जैसे फोटोज़ में, वैसा सा ही सामने से ये स्लिट है। इसका फैब्रिक इज़ गुड, बट अगर आपका थोड़ा सा भी फैट्स है तो वो इसमें बहुत क्लियरली दिखेगा, ये वैसा वाला फैब्रिक है, प्लस इसका ये क्रीम बेज सा वाइट सा कलर है तो इसमें तो और भी ज़्यादा दिखता है। मुझे पर्सनली इसका टॉप ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू स्कर्ट, स्कर्ट से मैं इतनी खुश नहीं हूँ, बस इसकी ये जो यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई जिस तरीके से वो मुझे पसंद नहीं आ रही है, एंड इसका ओवरऑल लुक जैसा फोटोज़ में दिख रहा था मुझे वैसा सा आ भी रहा है, तो इससे तो मैं फिर भी खुश हूँ एंड ये मुझे अच्छा लग रहा है। नाइस, सी कुछ ऐसा सा इसका पहनने के बाद लुक आ रहा है, बट करेंटली ये आउट ऑफ स्टॉक है, सो अगर आपको लेना है तो आपको बाद में लेना पड़ेगा। सो गाइज दैट्स इट। न्यूमी की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमी मुझे सही लगता है, लाइक अलग से आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं आपको कहीं नहीं मिलते, एंड प्राइस भी मुझे सही लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस चीज़ें हैं, तो मेरे को इसीलिए मैं न्यूमी पे जाती हूँ कि मुझे वो कपड़े मिल जाएँ जो देखने में सेक्सी भी लगे, अलग से भी लगे। बट वो ये कि अभी जैसे इस बार मेरे साथ किया, मैंने क्या मंगवाया, इन्होंने क्या भेज दिया, वो गड़बड़ है एक, तो उस केस में भी थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल है। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस न्यूमी के साथ अभी तक तो सही है, बस एक गड़बड़ ये वाली कर दी। तो आज मैंने जितने भी आर्टिकल्स ट्राई किए मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक करना, शायद अगर अवेलेबल हुए तो आपको मिल जाएंगे, नहीं हुए तो मे भी शायद कुछ टाइम बाद आए, तो आप कुछ टाइम बाद आके चेक कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय गाइज़।